हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का पहला। इसके पहले वाली वीडियो में हमने दूसरा पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का पहला। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लिखेंगे हल, आइए इसको हल कर आपको दिखाते हैं एकदम आसानी से। आपने कभी सोचा नहीं होगा, केवल आप केवल वीडियो को देख जाएंगे तो इसको हल कर लेंगे। तो आइए देखिए, माना आप सबसे पहले इसको पढ़िए और समझ लीजिए। देखिए, माना दो संख्या दिया है, तो दो संख्या दिया है तो वो संख्या दोनों क्या हो सकती है? तो हम लिखेंगे दो संख्या एक यक्ष होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या वाई होगी। यानी दो संख्या है, एक संख्या यक्ष होगी और दूसरी संख्या वाई होगी। उसके बाद दिया है संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखिएगा संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। क्या है? 26 है। तो देखिए, जब अंतर की बात की गई है तो हम समीकरण क्या लिखेंगे? देखिए, यक्स माइनस वाई बराबर 26, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। जब अंतर की बात की जाए तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 26। यानी देखिए, दो संख्याएं हैं, देखिए आप ये दो संख्या का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं कौन कौन है? एक्स और वाई है, और संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने लिखा एक्स माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। एक संख्या दूसरी संख्या कि 3 गुनी है। तो एक संख्या आपकी क्या है? एक संख्या बराबर यक्ष, ठीक। दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या वाई है। तो क्या हो जाएगा, यदि दूसरी संख्या वाई है तो 3 गुनी है दूसरी संख्या, इसमें क्या दिया है? 3 गुनी है। तो यानी हो जाएगा 3y। क्या हुआ? 3y। हम इसको लिखेंगे इन दोनों को, तो देखिए 3 गुनी है, तो हम इनको लिखेंगे x बराबर 3y। क्या लिखेंगे? x बराबर 3y। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। हमें लगता होगा कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक संख्या यानी इसमें लिखा है दो संख्या, इसमें की एक संख्या यक्ष है और दूसरी संख्या वाई है, ठीक, हमने माना था। तो देखिए एक संख्या यक्ष है और दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो 3 गुनी, तो दूसरी संख्या वाई है, तो 3 गुनी है, तो यानी 3y। तो हमने लिख दिया यक्ष बराबर 3y। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण दो को एक में रखने पर। दोस्तों, यदि आपको समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, समीकरण 2 ये है आपका। अब हम किस में रखेंगे? एक में रखेंगे। तो जब एक में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, x बराबर 3y है। देखिए, यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 26। जब हम समीकरण 1 को दूसरे में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, समीकरण 2 को हम पहले में रखना है, हमको इसको समीकरण 2 को पहले में रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो देखिए, 3y में से वाई घटा देंगे तो 2y हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
अब लिखेंगे वाई बराबर 13 को, 13 को समीकरण किस में रखेंगे, दो में रखेंगे, किस में रखेंगे, दो में रखेंगे। तो वाई बराबर 13 को समीकरण दो में रखने पर जब हम दो में रखेंगे तो क्या होगा, यक्स बराबर 3 × 13, तो यक्स बराबर 13 क्या हो, कितना होता है 39, कितना 39। तो आप एकदम लिखेंगे वाई बराबर कितना है आप 13, यक्स बराबर 39, तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से हमको बस इतना ही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको प्रतिस्थापन विधि ही बता रहा था निकालने के लिए, तो हमने निकाल दिया एकदम आसानी से, हमें आशा हुआ आप सीख गए होंगे। तो सीख गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। तो दोस्तों अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में तीसरे के दूसरे पर, वो आपका ये आपका भाग 1 रहेगा, वो आपका भाग 2 रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में।